जैसे चलो सबको ही तो मतलब एक जैसे वो नहीं होता है कंडीशन सबका कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए सभी को नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उनका लाभ लो। यहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल में इतना सारा फैसिलिटी देते हैं, चीफ मिनिस्टर ने इतना फैसिलिटी, एजुकेशन है, एजुकेशन में सब कुछ मिलता है, ये फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फिर अभी जो साइकिल वगैरह भी सब कुछ दे रहे हैं, तो उनका सब लाभ लो, कोई लेते ही नहीं है ठीक से। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपको मिल रहा है उनका लाभ लीजिए, अच्छे से आगे बढ़े, फिर स्कॉलरशिप भी मिल रहा है उसका भी लाभ लीजिए और अच्छे से पढ़िए। এখন পর্যন্ত কি তুমি সরকারি স্কলারশিপ পেয়েছো? হ্যাঁ মানে হিন্দি ও বলি সরকারি তো কিছু নেই মিলা হ্যায় মুঝে সব আপনা হ্যায় সরকার সে কিয়া চাতে হো वैसे तो अब मुझे तो वैसे कुछ मिला नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, जो केपेबल है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। जी नहीं, मैंने उसका भी अभी तक यूज़ किया नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो दे दिया है राज्य सरकार से, आपके पास है? नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पीछे तो मेरे भाई भी है, अगर मैं सब कुछ यूज़ कर लूँगी तो मेरा भाई क्या यूज़ करेगा। आपका नाम? गीतिका एक का। कहाँ का रहने वाला? मैं भगतपुर टी स्टेट हूँ, नगरा कटक। और एक बात मुझे कहना है, एक है कि हमारे कम्युनिटी में, सोसाइटी, आप लोग सब कुछ सबको ही देखते होंगे कि लड़कियों को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को मोटिवेट करें। कभी कभी होता है कि लड़कों को अच्छे से पढ़ने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता, तो लड़कियों को भी मोटिवेट करें, उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म दे पढ़ने के लिए, तब आप देखेंगे कि देखने के लिए मिलेगा, अब देखने के मिल भी रहा है कि लड़कियां क्या कर सकते हैं। बस यही चाहती हूँ कि हर फैमिली के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि लड़कियों को मोटिवेट कीजिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए ताकि वो भी बदलाव ला सके। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गांव में भी बदलाव हो, डेवलपमेंट हो, अच्छा स्कूल्स हो, सब कुछ अच्छा फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ हो। आपका नाम क्या है? गीतिका एकता।